तो हाय, दिस इज रंजीत रंजीत कुमार झा, और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं पीपीटी आरजेजे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो गाइस, जैसा कि अभी अपन लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 12 पे। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पार्ट 1 में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण, और उसके बाद अपन लोगों ने स्टार्ट करा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी वेरियस टाइप के हो सकते हैं। अगर चार्ज हमारा इन द शेप ऑफ लाइन है तो हम उसे लाइन चार्ज कहते हैं, जिसे आप लोग वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी भी कहते हैं। एग्जाम्पल में थिन रॉड हो गया जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ है, रिंग हो गया आपका या स्ट्रिंग हो गया, तो ये सब आपका वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी है। तो जैसा कि हमने बताया था, शेप या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण किसी सर्टेन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। तो जिसमें हम लोगों ने लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लास्ट 3 लेक्चर से देख रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था एक स्ट्रिंग के कारण या एक थिन रॉड के कारण या एक थिन वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स पे निकालना सीखा था। फिर हमने उसी लाइन चार्ज रॉड को या लाइन चार्ज स्ट्रिंग को अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन में दे दिया, तो हमने कभी आर्क बनाया, कभी हमने क्वार्टर ऑफ आर्क बनाया, कभी हमने क्वार्टर ऑफ सर्कल बनाया, कभी हमने सेमी सर्कल बनाया, तो इस टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन के कारण एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं ये देखे थे। और आज अपन लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग के कारण एट ऑन एक्सिस पे, कहाँ पे, तो किसी एक्सिस पे। तो आज का लेक्चर फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो गाइस कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा हो उसके लिए हमने इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट पे 2 अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। और हाँ, आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फॉर्मेट में नोट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। और हाँ, आपको जो भी कुछ होमवर्क दिया जाता है काइंडली उसे सोल्व कीजिए। अगर आप लेक्चर को सीरियसली देखते हैं तो जरूर क्वेश्चन सोल्व होएगा, और इन केस क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मेल आईडी दिया है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए निकालना सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑन एक्सिस ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस। यानी हम आज अपन लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर, रिंग के कारण एक्सिस पर, रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हमने एग्जांपल के तौर पर ये रिंग लिया है और इस रिंग के कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी सेंटर पे निकालना सीख चुके थे, यानी इस रिंग के कारण सेंटर पे ये रिंग है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ये निकाल चुके थे, यानी 0 होता है, यानी इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो यानी ड्यू टू ऑफ सिमेट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पे 0 हो जाता है। फिर हमने क्वार्टर ऑफ दिस सर्कुलर रिंग के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, 3/4 के भी निकाला था, सेमी सर्कल के भी कारण निकाला था। तो अगर ये लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आपको सर्च करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, और साथ में लगा देना है आपको पीपीटी आरकेजे या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज अपन पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये एक क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, इस रिंग के कारण किसके एक्सिस पर, तो एक्सिस क्या हो सकता है, तो जो इनके सेंटर से लाइन गुजरता है, जो इनके सेंटर से लाइन गुजरता है उसको बोलते हैं एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये रिंग का ये आपका सेंटर हो गया, ऐसे देखिए ये रिंग हो गया और ये क्या हो गया आपका सेंटर, और इस सेंटर पर ये क्या हो गया एक्सिस। तो इस एक्सिस पर मान लीजिए यहां पे इस टिप पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसको हमने जरा सा ऐसे बनाया,
2D में, क्योंकि बोर्ड अपना क्या है 2D है, तो हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए जरा सा इसे टिल्ट करा, ऐसे करा, तो यानी ऐसे हो जाएगा तो कुछ ऐसे होएगा। तो चलिए इसे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ अपना रिंग होएगा जिस पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज दिया गया है, और इसके एक्सिस पर, यानी हमने क्या करा, एक्सिस ड्रॉ करा, इसके एक्सिस पर मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर, ये एक्स डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं कि पी पॉइंट है, ठीक है, यानी ये रहा रिंग का सेंटर ओ, और ये रिंग का रहा रेडियस आर, ये रिंग का रेडियस आर, और इस सेंटर से जो एक्सिस निकला है एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी लिया, और इस पी पॉइंट पर इस रिंग के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लोग तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, तो इस रिंग को छोटे छोटे सेक्शन में ब्रेक करते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे हमने एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करा, क्या करा, एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करा। मैं जरा चेक करना चाहूंगा कैमरे की फ्रेम को, एक मिनट। जी हाँ, कैमरा चालू है। चलिए, इस पॉइंट यानी इस सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पे क्या होगा, तो इस सेक्शन के कारण इस पर चार्ज क्या है, तो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस छोटे से सेक्शन पे चार्ज क्या हो जाएगा, तो डी क्यू हो जाएगा चार्ज, क्या हो जाएगा, तो डी क्यू चार्ज हो जाएगा। तो अब ये छोटा सा सेक्शन यानी छोटा सा चार्ज, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां पे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कंसीडर कर सकते हैं हम एज अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के कारण अपन लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी डिस्टेंस पे मालूम है, क्या होता है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं, यही होगा क्या, और ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पर अवे होगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर रहा, छोटा सा चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस लाइन को जरा आगे तक एक्सटेंड करता हूं, हमने कर दिया, अब अगर मैं मान लूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितने होगा, तो ये भी थीटा होगा बाय क्रॉस एंगल से, कौन से एंगल से, क्रॉस एंगल से। अब हमें ये बताइए यहां पे अगर मैं इस डीई को रिजोल्व करता हूं, तो इधर क्या होएगा, इधर अपना डीई कॉस थीटा होएगा, और इधर रिजोल्व करते हैं इसको, तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा होएगा, ठीक है। अब देखिए छोटे से पॉइंट के कारण इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, डीई मिला, जिसे हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करा। हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया है इस कंप्लीट रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे 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 सेक्शन के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो वेक्टरली जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कैसे जोड़ेंगे, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जोड़ेंगे। तो चलिए निकालते हैं, तो यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे ऑल DE sin theta component of electric field will cancel due to of symmetry. कैसे, तो समझने की कोशिश करना, मान लीजिए कि यहां पे हमने एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करा, ठीक है, छोटा सा सेक्शन कंसीडर करा, जिस पर चार्ज कितना हो गया, इस पे भी चार्ज dq होगा, छोटा सा सेक्शन कंसीडर करा, तो जिस पर चार्ज क्या होगा, dq होएगा, और ये dq क्या हो जाएगा, एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करा जा सकता है, और जब पॉइंट चार्ज इसे कंसीडर करेंगे, तो इस पॉइंट पर हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो
ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होता है। छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा, ठीक है, छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसको हम रिजोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, ठीक है। अरे बाबा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, क्रॉस एंगल से, क्रॉस एंगल से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इधर डी साइन थीटा और इधर डी साइन थीटा, तो ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा कैंसिल हो जाए। सिमिलरली यहां पे हमने छोटा सा सेक्शन कंसीडर करेंगे, तो इस सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, तो कुछ इधर होगा, इसका डी साइन थीटा इधर होएगा, फिर इसका डी कॉस थीटा इधर होएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम करेंगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होएगा, फिर इसका एक कंपोनेंट डी साइन थीटा इधर, एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा, तो साइन थीटा कंपोनेंट आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे समझिए, ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, दिखाई दे रहा ना ये रिंग, इस रिंग पर ये क्या रहा, एक्सिस है रिंग का, तो यहाँ पे निकालना है, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ डी साइन थीटा, फिर यहाँ लेंगे तो इस पॉइंट के कारण, इस चार्ज के कारण यहाँ पे, तो डी साइन थीटा। जब इसे रिजोल्व करेंगे तो एक आपका हो जाएगा डी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका डी कॉस थीटा, फिर इसके कारण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा कैंसिल कर जाएगा। तो कहने का मतलब, हेयर ऑल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ डी साइन थीटा विल कैंसिल ड्यू टू अ सिमेट्री के कारण। तो कहने का मतलब ये कंपोनेंट हमारा कैंसिल कर जा रहा है, तो बचा क्या, ओनली हमारा कॉस थीटा, यानी डीई कॉस थीटा के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, केवल इस कंपोनेंट के कारण होगा। तो तब हम करेंगे क्या, तो इसके कारण यानी डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा जितने भी होगा इसके हमें ऐड कर देना है, वेक्टरली ऐड कर देना है। तो कहने का मतलब हेयर ऑल डीई साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल ड्यू टू जस्ट अपोजिट कंपोनेंट ऑफ स्मॉल चार्ज सेक्शन, ड्यू टू सिमेट्री के कारण सारे डी साइन थीटा कैंसिल कर जाएंगे। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी किसके कारण, तो डी कॉस थीटा के कारण। तो इस पॉइंट पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ई नेट कहां पे, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या हमने माना था, पी पॉइंट माना था, तो ई नेट एट पॉइंट पी इज ड्यू टू डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट due to all DE cos theta component, ठीक है, इसके कारण होगा। तो E net कहाँ पे निकाले, चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो E net equal to क्या होएगा, कहाँ पे, तो P point पर, तो equal to integration over DE cos theta, DE cos theta कहाँ से कहाँ, तो total ring के कारण, तो चलिए total due to total ring या कंप्लीट रिंग के कारण। अब हमें बताइए ये डी इक्वल टू कितना होगा, तो आप जानते हैं ड्यू टू स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, ये मान लेते हैं ए, अगर मैं मान लूं इसे मैं ए मान लूं, तो ए इक्वल टू क्या होगा, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रिंगल, क्या है ये, राइट एंगल ट्रिंगल है, तो राइट एंगल ट्रिंगल में पाइथागोरस थ्योरम से ए इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हुआ ना, हाँ। तो इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होएगा, तो के क्यू, तो क्यू क्या है, तो छोटा सा डी क्यू है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर के बदले में क्या होगा, तो ये डिस्टेंस क्या है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर लिखिए पहले, तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो के डी क्यू अपॉन दिस थिंग्स, तो यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये
स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो जरा फिर मैं आपको अटेंशन यहां पे लाना चाहूंगा, ये थीटा है और ये एक्स है, ये आर है, ये ए है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है एक्स है और हाइपोटेनस क्या है तो ए है, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए, तो ए का वैल्यू क्या है तो दिस थिंग्स क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, किसके कारण, कंप्लीट रिंग के कारण। चलिए इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। अब हमें बताइए किसके टर्म में आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लेंथ के टर्म में या चार्ज के टर्म में। चलिए चार्ज के टर्म में भी और लेंथ के टर्म में भी समझ लेते हैं। तो यहां पे आपको कांस्टेंट क्या दिखाई दे रहा, क्या क्या सर, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसी सर्टेन पॉइंट पर पूछा जा रहा है तो एक्स विल बी कांस्टेंट, आर विल बी कांस्टेंट, क्योंकि रिंग का तो रेडियस कांस्टेंट ही रहेगा। किसी सर्टेन पॉइंट पर पूछा जा रहा है एक्सिस पर तो एक्स भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो झक मार के ए भी कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं हेयर हेयर आर एक्स एंड ए इज रिमेन सेम, हेयर आर एक्स एंड ए विल रिमेन सेम, रिमेन सेम, क्योंकि हम छोटे छोटे सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और सभी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए आर एक्स और ए भी आपको जानने की आवश्यकता है कि ये चेंज कर रहा है कि नहीं। अरे बाबा ऐसे समझना, ये रिंग है तो यहाँ पे तो देखो रिंग का तो रेडियस सेम रहेगा, यहाँ पे निकालना है तो ये कोन टाइप का है, तो कोन का जो ये साइड है तो ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर, तो यानी ए का वैल्यू तो कॉन्स्टेंट रहेगा। किसी किसी पॉइंट पर पूछ रहा है ऑन द एक्सिस पर तो x का भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो वही तो हमने लिखा r x एंड a विल रिमेन सेम। अब चलिए जब ये तीनों कांस्टेंट हैं तो उसे बाहर कर लेते हैं, तो e net इक्वल टू क्या हो जाएगा, e net एट पॉइंट p इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है तो k हमने बाहर ले लिया, और भी कुछ कांस्टेंट है x है ना, तो x कांस्टेंट है उसे हमने बाहर कर लिया, r भी कांस्टेंट है इसका पावर 1 और इसका पावर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, तो 1 और 1 प्लस सॉरी 1 और ये हो गया आपका 1 बाई 2 यानी हाफ, तो 1 प्लस हाफ इक्वल टू आपका 1.5 यानी डेढ़, डेढ़ को हम क्या लिख सकते हैं 3 बाई 2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा के एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 बाय 2। इंटीग्रेशन ओवर किसका, तो ये छोटा सा dq है, dq है, ठीक है। अब हमें बताइए छोटा सा चार्ज dq है तो dq इक्वल टू क्या होगा, तो हमने आपको पहले भी बताया था dq इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डी एल, अरे बाबा लेमडा इंटू डी एल होगा, तो चलिए लेमडा इंटू डी एल भी रख दीजिए, या dq के टर्म में ही रखेंगे, तो dq dq छोटे छोटे चार्ज को जब हम कंप्लीट रिंग के कारण निकालेंगे तो dq dq यहाँ पे dq यहाँ पे dq यहाँ पे dq यहाँ पे dq, तो छोटे छोटे dq को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, q मिल जाएगा, यानी ऐसे हम कह सकते हैं e net एट पॉइंट पी इक्वल टू के के एक्स, और ये छोटे छोटे को जब कंप्लीट रिंग को हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कहाँ पे, तो ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस एक्स, एट अ डिस्टेंस एक्स, तो इसे आप मेमोराइज कर लीजिएगा। अगर आप ये चार्ज के टर्म में नहीं समझ रहे हैं तो हम एक बार फिर आपको लेंथ के टर्म में जैसे पिछले लेक्चर में करा था तो वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि x तो बाहर है ही, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2, dq को हम क्या लिख सकते हैं, तो dq को लेमडा इंटू डी एल लिख सकते हैं, लेमडा इंटू डी एल लिख सकते हैं। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से, तो इस रिंग कंप्लीट रिंग के कारण हमें निकालना है, तो कंप्लीट रिंग का लेंथ कितना होता है, तो समझो डायरेक्ट इतना समझो जीरो से लेकर एल लेंथ तक, जीरो से लेकर एल लेंथ तक, और एल इक्वल टू क्या होगा, तो मान लो कि ये एक स्ट्रिंग था, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रिंग था, इसको आपने सर्कल बना दिया जिसका रेडियस आर है, तो ये एल इक्वल टू क्या होगा, इसको आपने सर्कल बना दिया तो सर्कल का सर्कमफेरेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस, तो सी इक्वल टू एल, और सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है इस सर्कल का, तो 2 पाई आर इक्वल टू एल, तो एल के बदले में मैं डाल सकता हूं क्या 2 पाई आर,
यानी 0 से लेकर 2 पाई आर तक हमें इंटरग्रेट करना है, तो लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यानी के एक्स लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन ओवर डी एल, कहाँ से कहाँ, तो 2 पाई आर से 0, यानी 0 से लेकर 2 पाई आर तक, तो डी एल, डी एल का इंटीग्रेशन, जब डी एल का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, एल क्या होएगा, एल, तो यानी ये क्या हो गया, के एक्स लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एल, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 2 पाई आर तक, क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी ई नेट इक्वल टू के एक्स लैम्डा एक्स एक्स लैम्डा अपॉन दिस थिंग्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर माइनस 0, ठीक है। अब लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते हो लैम्डा को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज क्या होएगा, तो क्यू होएगा, लेंथ कितना होएगा इस कंप्लीट सर्कल का या रिंग का, तो 2 पाई आर होएगा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या डालना है, क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो लैम्डा को हम के एक्स लैम्डा को वैल्यू क्या डालना है, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, इंटू ये वैल्यू क्या है, 1 अपॉन r² प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, ये वाला 2 पाई आर, एक मिनट मैं देखना चाहूंगा ये सारे कैप्चर हो रहे हैं कि नहीं, एक मिनट, नहीं कैप्चर नहीं हो रहा है, कहाँ पे समझाऊं इसे, यानी ये लाइन कहाँ पे समझाऊं, यहाँ पे समझाता हूँ, ये लाइन, ये क्या है के एक्स, चलिए दूसरे कलर से, के एक्स, के एक्स लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर, क्यू अपॉन 2 पाई आर, नीचे में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, हमने डाल दिया, ये तो जब ये टर्म्स कंप्लीट हो गए, अब लिमिट हम जो पुट करा तो 2 पाई आर माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब जरा देखिए कुछ कटिंग खुटिंग होने वाला है क्या, बिल्कुल होएगा, तो ये 2 पाई आर, ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यानी ई नेट इक्वल टू क्या बचा, ई नेट कहाँ पे, पॉइंट पी पे, तो यानी के बचा, ये क्यू बचा, ये एक्स बचा, नीचे में ये टर्म बचा, तो क्या है नीचे में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ध्यान से देखिए के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, कहीं ना कहीं ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम ही है, तो आप क्यू के टर्म में लीजिए या एल के टर्म में आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आंसर तो आपको सेम ही आने वाला है, तो हमने दोनों प्रोसेस बता दिया, तो सिंपली वैसे भी जान लीजिए ना, छोटे छोटे क्यू को आप जब ऐड करते हो तो कितने मिलता है, ये बड़ा क्यू, तो वही हमने करा है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, हो गया, मिटाऊं क्या, जस्ट मैं आपको एक दो केस समझाना चाहूंगा, अब जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होता है, तो 0 होता है, ये हमने बताया था, तो जरा इसमें हम चेक करते हैं कि रियली में इतना वैल्यू यानी 0 वैल्यू आता है कि नहीं आता है, तो चलिए चेक कर लेते हैं, तो सेंटर कब होएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है सेंटर पे, तो सेंटर कब होएगा, तो जब एक्स को हम ये पॉइंट पी को खींच कर अगर यहां पे ले आते हैं, तो यानी P और O जब एक ही पॉइंट पर लाइक कर जाएगा, यानी कहने का मतलब ये X का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये P कहां पे लाइक कर जाएगा, कुछ 0 पे या O पे लाइक कर जाएगा, तो यहां पे तो हमें पहले से मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने होता है, 0 होता है, तो चलिए इसमें X का वैल्यू 0 पुट करके देखिए E नेट एट पॉइंट P या O पे कितना आता है, तो पुट यानी एट सेंटर तो हमें x वैल्यू कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, तभी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये p पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए किसी टर्म्स को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, यानी e नेट आपका क्या हो जाएगा, e नेट एट पॉइंट o इक्वल टू 0, इससे क्या हो जाता है, ये भी प्रूफ हो जाता है जो हमने पहले आपको बताया था। चलिए केस 2 देख लेते हैं, केस 2 क्या है,
हमने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने बताया था इंफिनिटी पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग के कारण जीरो होता है। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं क्या होएगा, सही है कि नहीं। तो इन्फिनिटी पे यानी एक्स का वैल्यू हमें कितना रखना है, तो एक्स का वैल्यू हमें इन्फिनिटी रखना है, यानी एट इन्फिनिटी पे हमें मालूम है ई इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। तो करके देखते हैं, तो एक्स का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए इन्फिनिटी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। तो जब इन्फिनिटी हम पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका वैल्यू अधिक है, किसका वैल्यू अधिक है। तो यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे पावर देखिए ये टू से ये कैंसिल कहीं ना कहीं हो जाएगा लास्ट में। तो कहने का मतलब यहाँ पे पावर यानी डिनोमिनेटर में पावर हाई होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स का पावर डिनोमिनेटर में हाई होता है। तो वन अपॉन एक्स के वैल्यू में क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, तो जीरो होता है। तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है। अगर मान लीजिए केस टू, केस थ्री देखते हैं, केस थ्री, केस थ्री क्या है, केस थ्री मान लीजिए जब x को हम बहुत दूर लेके चले जाएंगे, ये x बहुत दूर ले जाएंगे तो ये रिंग हमें क्या दिखाई पड़ेगा। मान लो अभी यहां से मैं देख रहा हूं तो ये रिंग दिखाई दे रहा है, अगर मैं बहुत दूर चला जाऊं मान लो कि 5 मीटर 10 मीटर चला जाऊं तो ये रिंग क्या दिखाई पड़ेगा, एज लाइक अ पॉइंट चार्ज, एज लाइक अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के कारण आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स पे क्या होता है, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलिए वो होता है कि नहीं चेक करके देख लेते हैं। तो कहने का मतलब व्हेन एक्स इज ग्रेटर 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 देन, एक्स इज ग्रेटर 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 देन ई रेडियस यानी आर, तब ई नेट कितने होगा। तो ई नेट करके देख लेते हैं कितने होगा। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आता है कि नहीं वो चेक करना है। तो इसमें एक्स इज ग्रेटर देन आर, जब एक्स बहुत बड़ा है आर से तो कहीं ना कहीं उसका स्क्वायर भी है, तो ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। जब ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा तो ध्यान से देखिए क्या बचता है, यानी के के क्यू एक्स अपॉन, ये तो टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बहुत बड़ा है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। अरे बाबा इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ही कहीं ना कहीं आएगा, एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितने है, तो 3/2 है, तो 3/2 है। और ध्यान से देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है क्योंकि x टू दी पावर m और 2 दी पावर m इक्वल टू क्या होता है, x टू दी पावर m n। तो m n करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बचेगा, ये हमारा k q x अपॉन x टू दी पावर q, यहां से x है और एक यहां कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, k q अपॉन x स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला किसका आ गया, एज लाइक अ पॉइंट चार्ज के कारण जो हमने बताया था। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि ये रिंग चार्ज भी आपका पॉइंट चार्ज कंसीडर होगा जब ये एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू आर। तो ये भी प्रूफ हो जाता है। और केस टू को आप और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एट इंफिनिटी पे ई नेट कितने होगा। तो जब एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी डालते हैं तो इन्फिनिटी का स्क्वायर वो भी इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, तो जीरो होता है। तो यहाँ से केस थ्री से केस टू को अच्छी तरह से डील करा जा सकता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये रिंग के कारण इस एक्सिस पर कहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले आप इसे कैप्चर कर लीजिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया मिटाऊं क्या। चलिए मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं इस एक्सिस पे वो कौन सा जगह है जहां पे इस रिंग के कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो चलिए मिटा देते हैं। तो ई नेट एट एक्सिस क्या होता है, पहले वो लिख लेता हूं, ई नेट एट पॉइंट पी ऑन एक्सिस पे, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, हमें पूछ रहा है इस एक्सिस पे वो कौन सा जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, किसके कारण, तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट या ऑन एक्सिस हमें फाइंड करना है। अब ये मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम तभी होगा क्योंकि आप जानते हो
अगर कोई पैरामीटर दूसरे पैरामीटर पर डिपेंड करता, कहने का मतलब इफ वाई इज डिपेंड ऑन एक्स, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन एक्स, तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी ई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो चलिए करके देखते हैं, यानी डी ई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग्स, तो यानी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 by dx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो अगर इस टर्म को, कहने का मतलब अगर मैं इस टर्म को u मान लूं और इस टर्म को, यानी ये जितने भी टर्म हैं इसे मैं भी मान लूं, तो क्या होगा, du अपॉन, कहने का मतलब ये हो सकता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, यही है क्या, जस्ट मैच कीजिए, कुछ इसी तरह का फॉर्म हमें दिख रहा है, जी हाँ इसी तरह का दिख रहा है। और इसका जब डेरिवेशन करते हैं, यानी यू अपॉन भी, तो क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा, तो डी बाय यानी डी ई बाय डी एक्स इक्वल टू, यानी यू भी का आपका होता है, एक बार भी को छोड़ते हैं, यू को डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो भी को हमने छोड़ा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर एक बार क्या करते हैं, u को छोड़ते हैं, यानी u को छोड़ते हैं और v को डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स, नीचे में क्या करते हैं, तो जो है उसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो भी स्क्वायर, और बीच में जब हम डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो चलिए यही फॉर्मूला को यूज करते हुए अपन लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, भी को छोड़ेंगे, तो चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, भी को छोड़ेंगे तो भी इसे माना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, भी को हमने छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ यू, तो यू क्या है, ए है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी डी अपॉन के क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, तो माइनस का चिन्ह तो दे दिया, अब क्या है, यू को छोड़िए, यू क्या है, तो ये टर्म्स है, यानी के क्यू एक्स है, ठीक है। भी को डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, तो दिस थिंग्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। अपॉन क्या है, तो भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 का स्क्वायर। अब जरा गौर करके देखिए, स्क्वायर जब करेंगे तो ये x टू द पावर, ये मान लीजिए z है, तो z टू द पावर m इंटू एम, तो z का पावर m n हो जाएगा, तो ये नीचे में 2 है और ये अपर में 2 है, तो कहीं ना कहीं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाता है, तो फिर से आप एक बार ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर के क्यू बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स के टर्म में, तो एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो 1, तो चलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब चलिए माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दीजिए, के क्यू एक्स है, तो के क्यू एक्स तो वैसे ही हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करना है किसको, तो इस टर्म्स को डिफरेंशिएशन करना है, तो किसी चीज का पावर है तो पहले क्या करते हैं, तो पावर बाहर ले लेते हैं, तो चलिए पावर बाहर ले लिया 3/2, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन टर्म्स का पावर ले लिए, तो पावर में से क्या करते हैं, फिर एक घटा देते हैं, क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर, ये 3/2 है, यानी कहने का मतलब देर है, यानी 1.5, तो 1.5 में से 1 कमाएंगे यानी घटाएंगे, तो 1.5 माइनस 1 इक्वल टू 0.5, और 0.5 इक्वल टू 1/2, तो कहने का मतलब ये कितने हो गया, 1/2, ठीक है। ये तो ये टर्म्स हो गया, अब फिर क्या करते हैं, तो उसके अंदर जाके डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2, फिर पावर बाहर और पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। और ये क्या है आपका, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0, ठीक है, कुछ इस तरह हुआ। और नीचे में क्या है, तो नीचे में अपना
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यू है, क्यू है, ठीक है, हमने कर दिया। यहां तक दिखाई दे रहा, मैं एक मिनट देखना चाहूंगा कैमरे को। जी हाँ, दिखाई दे रहा है। अब क्या होएगा? अब मुझे लगता है कुछ कटिंग खुटिंग होने वाला है। जी हाँ, ये देखिए, ये टू और ये टू कैंसिल हो गया। और भी कुछ होएगा क्या? नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं होएगा। के क्यू इसमें भी है, के क्यू इसमें भी है। चलिए कॉमन ले लेते हैं, और भी है कुछ कॉमन। हाँ, ये भी है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 और इधर 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं। कहने का मतलब के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या ले लेते हैं, 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचा इसमें? ये यानी डेढ़ है, यानी 1.5 है, 3/2 इक्वल टू 1.5 ना, तो उसमें से 0.5 ले लिया, तो 1 बचा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 होना चाहिए, तो पावर 1 हमने दे दिया। माइनस का सिंबल है, तो माइनस का सिंबल हमने लगा दिया। के क्यू तो हमने बाहर ले लिया, बचा है क्या? एक्स बचा है, और भी कुछ बचा है? एक एक्स इधर बचा है, तो एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर, और एक थ्री है। कहने का मतलब 3x² हुआ, और ये 3 और ये x और एक x इधर, तो 3x² इनटू ये टर्म्स, तो x² ये तो कॉमन हमने ले लिया है ना, तो ये तो होगा ही नहीं, ये टर्म्स तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिए हैं, तो इतना ही होगा। अपॉन क्या है? तो दिस थिंग्स का क्यूब, अपॉन दिस थिंग्स का, यानी x² प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर क्यू इक्वल टू क्या करना है? जीरो करना है, क्योंकि डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो हमको इसको जीरो करना है, हमको इसको जीरो करना है। यहां तक दिखाई दे रहा, मैं एक मिनट देखना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसके बाद नहीं दिखाई देगा, तो इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। चलिए अब देखिए, ये टर्म्स तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को हमें वन चेक करना है, तो कहीं ना कहीं के क्यू से भी दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं x² + r² के क्यू से भी हमने दोनों तरफ डिवाइड करा, और 1/x² + r² टू दी पावर क्यू से भी मल्टीप्लाई दोनों तरफ करा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा? x² + r² टू दी पावर 1/2 इंटू इंटू दिस थिंग्स, यानी x² + r² टू दी पावर 1 है, तो 1 है, चलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है? 3x² ठीक है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। मान लेते हैं ये टर्म जेड है, तो एक बात बताओ, यानी ये टर्म जेड मान लेते हैं, और ये भी जेड हो गया, तो कहने का मतलब अगर ये लेट लेट दिस वन इज अ जेड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जेड टू दी पावर 1/2 इंटू जेड का पावर 1 माइनस, इसे मान लेते हैं जो भी है 3x², जो भी है 3x² इक्वल टू 0। तो दो कंपोनेंट मिला के, यानी दो कंपोनेंट का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो ये तो 0 कतई भी दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं झक मार के यही टर्म्स को 0 होना है, तो ये टर्म तो 0 होगा ही नहीं, तो यही टर्म 0 होना चाहिए। तो ये टर्म 0 होने के लिए, यानी जेड का क्या वैल्यू था? x² + r² तो कहने का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं क्या? x² + r² माइनस 3x² इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने पूछा है वो एक्सिस पर एक्स का क्या मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, या क्या वैल्यू होगा सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, तो एक्स का वैल्यू हमें चाहिए, तो ये क्या हो गया? -2x² + r² इक्वल टू 0, तो ये उधर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कहने का मतलब x² = r² / 2, दोनों तरफ में क्या कर दूंगा? अंडर रूट लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा? कहने का मतलब x का वैल्यू ±r/√2, यानी x = ±r/√2, यानी इस वैल्यू पर x का ये वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा ऑन द एक्सिस। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x on the axis of the ring for which electric field will be maximum. अब तो ये रहा, इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब अगर कोई पूछ दे कि उस, यानी इस x के वैल्यू पर या इस x के पोजीशन पर मैक्सिमम वैल्यू जो आप बता रहे हो वो एक्चुअली में होगा कितना, तो चलिए वो वैल्यू आप देख लेते हैं कितना होगा।
तो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, तो ये वैल्यू उठा के कहीं ना कहीं हम अगर इसमें पुट कर देते हैं तो हमें ई नेट का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए क्या होगा, तो के क्यू एक्स, एक्स के बदले में क्या रखना है, तो आर बाय रूट टू। तो क्या हो जाएगा, ई नेट, ई नेट एट पॉइंट या ई नेट मैक्सिमम इक्वल टू के क्यू, के क्यू एक्स का वैल्यू आर बाय, आर बाय रूट टू होना चाहिए अपॉन एक्स का, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आर बाय रूट टू का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय टू, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय टू, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने दिया, फिर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हुआ, इसका पावर है थ्री बाय टू। तो इसे जब आप एडिशन करते हैं तो कितने हो जाता है, टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी थ्री आर स्क्वायर, थ्री आर स्क्वायर बाय टू। कहने का मतलब के क्यू आर बाय रूट टू का बाय, ये क्या हो गया, थ्री आर स्क्वायर बाय टू का पावर थ्री बाय टू। थ्री बाय टू को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू वन बाय टू लिख सकते हैं क्या, थ्री इंटू वन बाय टू लिख सकते हैं। अब देखिए वन बाय टू, अरे बाबा समथिंग टू द पावर m इंटू एन, तो यानी थ्री इंटू वन बाय टू लिख सकते हैं, वन बाय टू इक्वल टू क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ दिस थिंग्स। तो यानी कहने का मतलब हम ऐसे कर सकते हैं क्या, के क्यू आर बाय रूट टू अपॉन वन बाय रूट टू, अरे बाबा ऐसे समझना, थ्री आर स्क्वायर बाय टू टू द पावर वन बाय टू इंटू थ्री, ऐसे कर सकते हैं क्या, तो वन बाय टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वन बाय टू इक्वल टू स्क्वायर रूट, यानी ये वन बाय टू हटाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लाएं। अब देखिए स्क्वायर रूट से, तो ये आर स्क्वायर है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री और ये रूट टू, फिर इसका क्यूब करेंगे तो यानी रूट थ्री का क्यूब कितना होगा, तो थ्री यानी रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो यानी थ्री रूट थ्री, और ये क्या हो जाएगा, आर तो बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब अपना हो गया, यहाँ पे लिखूँ क्या, बिल्कुल हो सकता है जगह, यानी के क्यू आर बाय रूट टू अपॉन ये क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री, यानी थ्री रूट थ्री बाय ये क्या हो जाएगा, टू रूट टू, और ये क्या हो जाएगा, तो आर का, ये तो आर बाहर निकल चुका है तो उसका क्यू, तो कहने का मतलब ये आर क्यू। अब गौर करके देखिए, यहाँ रूट टू है और यहाँ रूट टू है, कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ कैंसिल होने वाला, बिल्कुल ये आर है, यहाँ पे आर क्यू है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा कितना, तो बचा हमारा के क्यू है, और नीचे कितना है, थ्री रूट थ्री, तो ये तो टू ऊपर चला गया, तो यानी टू के क्यू बाय थ्री रूट थ्री, और ये आर एक कैंसिल हो गया इससे, तो आर स्क्वायर, तो ये आपका ई मैक्सिमम हुआ, ठीक है, किस पर, ये अपना मैक्सिमम वैल्यू हुआ कहाँ पे, तो एट एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू पे। तो ये टर्म्स मैं देखना चाहूंगा कैमरे में दिखाई दे रहा कि नहीं, वन मिनट, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा, तो मैं बता दूंगा, ये है आपका टू, यहाँ पे है के, यहाँ पे क्यू बाय थ्री रूट थ्री, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू के क्यू बाय थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू मिला, कैलकुलेट करने पर मैक्सिमम वैल्यू मिला, कहाँ पे मिला, तो एट एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू पे, ठीक है, आर बाय रूट टू पे हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिला। और ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर थ्री बाय टू। तो दिस वॉज योर ऑल अबाउट डेरिवेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सिस बाय यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण, बाय यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण। चलिए अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि सेंटर पे तो हमें मालूम चल चुका है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, फिर इनफिनिटी पर जीरो होता है, और एक्स के आर बाय रूट टू पर मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू टू के क्यू अपॉन थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर होता है। तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं, ई वर्सेस, यहीं पे देख लेते हैं ग्राफ, ग्राफ ई वर्सेस किसका, एक्स का। तो चलिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस में मान लूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस में मान लो, और ये रहा अपना एक्स, जिससे डिफरेंट जिससे वो वैरी कर रहा है, तो ये रहा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा अपना एक्स, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है।
तो आप जानते हो सेंटर पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो सेंटर पे कहीं ना कहीं जीरो होगा। मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो एक्स का वैल्यू आर बाय रूट टू पे, तो मैक्सिमम वैल्यू एक्स का आर बाय रूट टू पे। फिर वो क्या करता है, तो फिर एट इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाता है। तो एट इन्फिनिटी पे तो कहने का मतलब कुछ पैरेलल लाइन बना दीजिए, पैरेलल लाइन बना दीजिए, हाँ ठीक है। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यानी ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम जिसका वैल्यू कितना हुआ, जिसका वैल्यू अपना 2k³/√3r² कितना, 2k³/√3r² ठीक है, इतना हुआ। कहाँ पे हुआ, तो ये आपका x का वैल्यू r बाय रूट टू पे हुआ, r बाय रूट टू पे हुआ ठीक है। ये तो हमने एक साइड बनाया, क्योंकि x के तो दो दो वैल्यू हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने y एक्सिस पे प्लॉट करा है और ये नेगेटिव में जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी नेगेटिव में हमें शो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे ग्राफ हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी पे जीरो कर जाएगा, कहीं ना कहीं ग्राफ कुछ ऐसा होएगा, और ये हमारा ई मैक्स हो गया, जिसका वैल्यू फिर वही 2k³/√3r² ठीक है, ये ई मैक्सिमम। कहाँ पे, तो वही x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू r बाय रूट टू पे, तो ये वैल्यू आपका r बाय रूट टू हो गया, r बाय रूट टू हो गया x का वैल्यू ठीक है। तो ये ई वर्सेज x का ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए देख लेते हैं, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका जेई वगैरह में आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए जस्ट इसे टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया मिटाऊं। चलिए एक सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पेशली जेई वाले जरा अटेंशन देना, कि मान लीजिए कि रिंग के एक्सिस पर, जो रिंग है उनके एक्सिस पर हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा, और वो चार्ज पार्टिकल मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल का मास कुछ दे दिया गया है और चार्ज भी कुछ दे दिया गया है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज आपका q है और मास उसका m दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जाता है क्या वो चार्ज पार्टिकल ओसिलेशन मोशन में है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या नहीं। अगर नहीं है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो क्या कंडीशन हो सकते हैं सच दैट दैट चार्ज पार्टिकल शुड बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है, तो उस चार्ज पार्टिकल का ओसिलेशन टाइम पीरियड क्या होगा, उसे कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, इफ अ चार्ज पार्टिकल, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन, इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास मान लिया एम है, एंड चार्ज माइनस क्यू है, ध्यान देना माइनस क्यू है चार्ज और मास एम है, चार्ज माइनस क्यू है, आर प्लेस्ड कहां पे, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग ठीक है। रिंग के एक्सिस पर वो चार्ज पार्टिकल को प्लेस्ड किया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि वो चार्ज पार्टिकल को जब हम थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल टुवार्ड्स द एक्स एक्सिस, if that charge particle is slightly displaced towards x-axis, या displaced in x-axis में डिस्प्लेस करा गया उस चार्ज पार्टिकल को, तब आपको फाइंड करना है, then examine that charge particle in SHM or not, examine charge particle is in SHM or not। अगर नहीं है, तो what are the condition such that this charge particle should be in SHM, if not then what should be the condition such that
such that charge particle, such that charge particle will be in SHM. अगर चार्ज पार्टिकल SHM में आ जाता है, then finds the time period of SHM किसका? चार्ज पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का. Then find time period किसका? Time period of oscillation ऑफ चार्ज पार्टिकल. चलिए उतना लिखने की जरूरत नहीं है. तो मान लिया कि ये रिंग है, अच्छा बना ये फिगर, ये रिंग है, फिगर तो अच्छा नहीं बना, चलिए कोई बात नहीं. ये इसका सेंटर है, ये एक्सिस है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी है या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? एक चार्ज पार्टिकल कहीं यहां पे चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज माइनस क्यू है और मास एम है. तो अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं ना कहीं इस चार्ज पार्टिकल को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता होगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता होगा. अगर छोटा सा सेक्शन कंसिडर कीजिए यहां से, तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता होगा, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता होगा. तो इसका ओवरऑल अगर जो रिजल्टेंट जो होगा सो कुछ इधर होगा. हमने स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करा तो ये चार्ज पार्टिकल ओवरऑल जो इनका नेट इलेक्ट्रिक या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो इधर है, तो जिसके कारण ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा और ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करने लगा, यहाँ पे आया. तो यहाँ पे आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया एट द सेंटर ऑफ रिंग, बट इस चार्ज पार्टिकल जो कि कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, तो ड्यू टू ऑफ मोशन ऑफ इनर्सिया ये चार्ज पार्टिकल क्या कुछ इधर आगे बढ़ गया. अब जैसे ही आगे बढ़ गया यहां पे आ गया, फिर बढ़ गया, आगे बढ़ गया. अब जैसे ही आगे बढ़ गया तो फिर ये क्या करेगा, कुछ अपने तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो फिर वो अट्रैक्ट होगा कुछ, तो फिर कुछ वेलोसिटी आ जाएगा. यहां से आते आते फिर वेलोसिटी कमना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसके कारण वो अट्रैक्ट होना चालू कर देगा. तो कहीं ना कहीं इस चार्ज पार्टिकल का मोशन ऑसिलेशन हो जाएगा. तो अब हमें ये शो करना है कि ये चार्ज पार्टिकल SHM में है कि नहीं है. ऑसिलेशन में तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये ऑसिलेशन में है. अब हमें ये फाइंड करना है कि ये चार्ज पार्टिकल SHM में है या नहीं है. अगर नहीं है तो क्या कंडीशन हो सकते हैं? अगर कंडीशन लगाने पर SHM हो जाता है तब उस चार्ज पार्टिकल का क्या टाइम पीरियड होगा, चलिए देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए मान लेते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? तो फोर्स इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई. फोर्स इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू ई. तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, तो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई. और फोर्स क्यू इक्वल टू क्या है? तो क्यू इक्वल टू क्यू है. ई इक्वल टू क्या होता है? तो रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है? तो क्यू एक्स के अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2. क्या होता है? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है. ठीक है, और ये तो चार्ज हो गया इस चार्ज पार्टिकल का. नेगेटिव नहीं डालना है क्योंकि नेगेटिव से तो हमने ऑलरेडी पता चल गया कि ये चार्ज पार्टिकल कुछ इधर मूव कर रहा है. ठीक है, अब ये F इक्वल टू क्या होता है? तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है. तो कहीं ना कहीं रीस्टोरिंग फोर्स इज जस्ट अपोजिट इनका, मैंने कहने का मतलब फोर्स कुछ इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर होना चाहिए. तो माइनस ऑफ एम इक्वल टू क्यू इंटू, चलिए के ये क्यू क्यू एक्स के क्यू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2. ठीक है, अब हमें फॉर SHM के लिए आप क्या जानते हो? तो SHM के लिए कंडीशन आप जानते हो एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स होना चाहिए या ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल SHM में है, यानी फोर SHM. अगर ये कंडीशन शो करता है तो हम कह सकते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल SHM है. अब जरा गौर करके देखिए, माई एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है क्या? तो ध्यान से देखिए कि यानी ये सारे टर्म को अगर मैं के मानता हूं तो यहां पे भी एक्स है बट नीचे में भी है, तो अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये SHM में है. कहने का मतलब नहीं दिखाई दे रहा है. या ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर
इंटू एक्स, तो यहां पे भी नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर में एक्स है लेकिन यहां पे भी नीचे में भी एक्स है, तो अभी नहीं कह सकते हैं कि ये एस एच एम में है या नहीं है। तो फॉर एस एच एम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, फॉर फॉर एस एच एम होना चाहिए आर मस्ट बी लार्जर देन ऑफ दिस एक्स, तो आर मस्ट बी ग्रेटर ग्रेटर देन ऑफ एक्स, तो ये आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा और ये स्क्वायर, ये तो छोटा टर्म है ही इनके कंपैरिजन में, उसका भी स्क्वायर तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं माइनस एम ए इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स अपॉन, ये तो नेगलेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाय टू, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब क्या बचा के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब हमें a इक्वल टू क्या होगा, तो गौर करके देखिए a इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस उधर जाएगा ड्यू टू ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि फोर्स इधर लगता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स जस्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब क्या माइनस दिस थिंग्स अपॉन ये m, m इधर है अपवर्ड में, तो इधर जाने के लिए न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर, ये क्या है अभी न्यूमरेटर में, तो यहां देने के लिए हमें डिनोमिनेटर में देना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्या हो जाएगा k q q x अपॉन आर क्यू इंटू एम। अगर ध्यान से देखिए तो अब आपको दिखाई दे रहा है क्या, ए इक्वल टू अगर मैं इसे कॉन्स्टेंट मान लू तो माइनस ऑफ के, या इसे ओमेगा स्क्वायर मान लू तो देखिए ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, जस्ट ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, या यही कंडीशन को देखिए, या फोर्स इक्वल टू अगर मैं इसे के मान लू तो माइनस ऑफ के इंटू एक्स, माइनस ऑफ के इंटू एक्स, तो now it is proved that now it is in SHM, ये अब क्या हो गया SHM में हो गया, कौन सा कंडीशन लगाने पे, ये कंडीशन लगाने पे, जब R is larger than of X, कहने का मतलब अगर रिंग का रेडियस बहुत बड़ा है as compared to X, X का वैल्यू छोटा है as compared to रिंग का रेडियस से, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा SHM में मूव करेगा, अदरवाइज ये R अगर X से बड़ा नहीं होगा तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस चार्ज पार्टिकल शुड बी इन एस एच एम, बट वो ऑसिलेशन में होगा बट एस एच एम में नहीं होगा, तो ये हमें एस एच एम में हो गया। अब पूछ क्या रहा है एस एच एम में हो गया, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कहने का मतलब नाउ फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, तो आप जानते हो टाइम पीरियड यानी टी इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा होता है, टी पाई टू पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो जब इस इक्वेशन को हम यहां से इक्वेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कहीं ना कहीं ये आता है, तो यानी हम कह सकते हैं ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू एम, के क्यू क्यू के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू एम, या ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू एम अंडर रूट में, ठीक है, तो ये तो ओमेगा का वैल्यू हो गया, बट हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू दिस थिंग्स यानी ओमेगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये पुट कर देंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो कहने का मतलब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यू एम, अंडर रूट ऑफ आर क्यू एम अपॉन के क्यू क्यू के क्यू क्यू, तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, यानी दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझे होंगे, अगर स्टिल यू आर इन प्रॉब्लम कमेंट करके हमसे फिर से पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। अब चलिए एक और मिक्स टाइप का प्रॉब्लम देख लेते हैं, रिंग में मान लीजिए एक यूनिफॉर्मली सेमी वायर दे दिया गया जिस पर लिनियर चार्ज डेंसिटी कुछ दे दिया जाए और ये रिंग भी आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसके कारण यानी इस रिंग के कारण इस सेमी इनफाइनाइट वायर पे जो कि एक्सिस के अलोंग प्लेस करा गया तो उस पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितने होगा, तो जस्ट वो भी मैं करता हूँ, चलिए जस्ट इसे टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का हो गया मिटाऊ, चलिए अब चलिए लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जेई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है वो लेक्चर को स्किप कर सकता है ये लास्ट दो क्वेश्चन को। तो चलिए पहले क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, एक रिंग है मान लेते हैं कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है,
है, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर से या इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस के अलोंग एक, ये आपका एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस पर एक सेमी इनफाइनाइट वायर जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दिया गया, जिसका एक एंड इस रिंग के सेंटर पे लाई करता है। कहने का मतलब, अगर ये रिंग का एक सेंटर है तो ये एक सेमी इनफाइनाइट थीन रॉड या वायर है, तो ये इनफाइनाइट तक गया है, जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दिया गया है। कुछ भी चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव, जो भी मानना है कोई बात नहीं, जो भी मानना है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर निगेटिव रहेगा तो फोर्स कुछ अट्रैक्टिव होगा, अगर निगेटिव रहेगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो फोर्स कुछ रिपल्सिव होगा। तो हमने दोनों को पॉजिटिव ही मान लिया, आपको निगेटिव मानना है निगेटिव मान सकते हैं, दोनों को निगेटिव मानना है दोनों को मानिए, एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव, जैसे आपको सोल्व करना है, डायरेक्शन वाली चेंज होगा। अब ध्यान से देखिए, इस पर चार्ज क्या है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरकमफेरेंस या ओवर द रिंग, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस रिंग टू दिस सेमी इनफाइनाइट वायर। कहने का मतलब, इस रिंग पर इस रॉड के कारण, ये थीन रॉड है, कितना फोर्स लगेगा, या इस रॉड के कारण, सॉरी, इस रिंग के कारण इस रॉड पर कितना फोर्स लगेगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स वो फॉलो करता है। तो कहने का मतलब, हमें यहाँ पे फाइंड करना है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो ये क्या है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण यहां पे इसका मान लीजिए रेडियस आर दे दिया गया है, आर दे दिया गया है, तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो एट अ पॉइंट या वन एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो आपको हमने पहले भी बताया था कि इनफाइनाइट यानी सेमी इनफाइनाइट के कंडीशन में अल्फा इक्वल टू 0 रख लो तो बीटा इक्वल टू 90 होगा, या बीटा इक्वल टू 0 तो अल्फा इक्वल टू 90। तो कहने का मतलब, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, एक होता है इस रॉड के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके रॉड के पैरेलल लगता है। तो कहने का मतलब, आप ऑलरेडी देखे होंगे ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल, ठीक है। ड्यू टू ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण ई परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना होता है, तो के क्यू अपॉन जितना भी लेंथ दिया गया है, तो समझिए इसका लेंथ कितना है, आर दिया गया है, तो यहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, परपेंडिकुलर ये है ना, आर लेंथ है, तो के लैम्डा अपॉन आर। ई पैरेलल कितना होगा, तो ये भी आपका के लैम्डा अपॉन आर होगा, ठीक है। अरे बाबा, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक लगा, एक इधर पैरेलल लगा, तो ये भी तो आर हो गया, ये भी तो आर हो गया, ये तो हमने ऐसे दिखाया ना। अरे बाबा, ऐसे दिखाया, ये एक्चुअली ऐसे था, यहाँ पे एक ये सेमी इनफाइनाइट ये हमने रॉड दिया है, तो जस्ट इसे हमने ऐसे रोटेट करा, समझ में आया, ऐसे रोटेट करा है, और हमने ये फिगर को 2D में रिप्रेजेंट किया है। तो ई पैरेलल वी के लैम्डा अपॉन आर, और ई परपेंडिकुलर इक्वल टू वी के लैम्डा अपॉन आर। अब ये पूछोगे ये सब कैसे हुआ, तो अगर ये सब आप नहीं जानते हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और साथ में आपको लगा देना है पीपीटी आर के या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सर्च कीजिए और साथ में लगा दीजिए पार्ट 2, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहां पे हमने इसे कंप्लीटली डिस्कशन करा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, अब देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आप जानते हो फोर्सेस उधर ही लगता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स का भी डायरेक्शन इधर होगा और फोर्स का भी डायरेक्शन इधर होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं 3D में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो एक इस रिंग यानी ये एक्सिस पे मान लीजिए ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो ये एक्सिस है, तो एक इस रॉड के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहने का मतलब कुछ इधर होगा और एक कुछ इधर होगा। तो ड्यू टू परपेंडिकुलर, देखो ऐसे देखो, ये इसके कारण जो फोर्स लगेगा जस्ट अपोजिट के कारण, फोर्स के कारण ये दोस्त एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। अरे बाबा, ऐसे समझना, देख इधर जो फोर्स लगेगा जस्ट इधर के कारण फोर्स उसको बैलेंस कर देगा, इधर जो लगेगा जस्ट इसके अपोजिट। तो कहने का मतलब, ड्यू टू सिमेट्री ऑल
परपेंडिकुलर फोर्स के कारण कंपोनेंट या परपेंडिकुलर फोर्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, किसके कारण, तो सिमेट्री के कारण। तो ओनली आपका फोर्स बचता है ड्यू टू पैरेलल के कारण। तो फोर्स बचता है, कहने का मतलब ड्यू टू सिमेट्री ऑल परपेंडिकुलर फोर्सेस विल कैंसल अपोजिट कंपोनेंट के कारण कैंसिल हो जा रहा है फोर्स। अरे बाबा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ DE, तो इधर ही फोर्स भी होगा ना DF, ऐसे ऐसे करते हुए इधर देखो एक हुआ, फिर इधर हुआ, सॉरी इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, यानी जितने भी परपेंडिकुलर है सारे कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको इधर ये कैंसिल कर देगा, ऐसे ओनली आपका जो पैरेलल यानी इस सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण जो पैरेलल पैरेलल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो फोर्स लगता है तो वही बचता है। सो नेट फोर्स किस पर, ऑन रिंग बाया दिस क्या है ये सेमी इनफाइनाइट वायर। सो नेट फोर्स ऑन सर्कुलर रिंग या रिंग बाय सेमी इनफाइनाइट वायर इज ड्यू टू किसके कारण, तो पैरेलल जो इसके कारण जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो फोर्स लगेगा, यानी इसके जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ई पैरेलल इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, ई पैरेलल यानी जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स होगा, तो ई पैरेलल इलेक्ट्रिक फोर्स सेज। सो ड्यू टू, लैंग्वेज मेरा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या लिखूँ। ई पैरेलल यानी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यानी इस सेमी इनफाइनाइट वायर के जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण इस रिंग पे जो फोर्स लग रहा है वही इसका एक्चुअल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन दिस सिस्टम, तो ई पैरेलल इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए रहने दीजिए लैंग्वेज, तो ये इक्वल टू होगा कितना, तो फोर्स इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो क्यू कितने का है, तो क्यू इस पर छोटा सा क्यू जो भी माना है क्या दिया गया है, कैपिटल क्यू दिया गया है, तो चलिए कैपिटल क्यू दिया गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस यानी सेमी इनफाइनाइट वायर का कितना है पैरेलल में, तो के लैम्डा अपॉन आर है, तो के लैम्डा अपॉन आर होगा। तो फोर्स हमें तो इतना मिल चुका है, अरे बाबा यही तो आंसर आ गया, तो ये मिला यानी इस रिंग पर इसके कारण फोर्स मिला है। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वायर पर इस रिंग के कारण कितना फोर्स लगा, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण एक्शन रिएक्शन आर इक्वल जस्ट अपोजिट इन नेचर। तो जितना फोर्स, कहने का मतलब इस पर ये लगा रहा है, इस पर ये लगा रहा है, उतना ही इस पर ये भी लगाएगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। फॉर दिस सिस्टम, तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया और लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ भी होमवर्क एज अ होमवर्क नहीं छोड़ूंगा, जस्ट NCERT को फॉलो कीजिए। और जो भी क्वेश्चन एज कंसर्न टॉपिक से मैं जो दे रहा हूँ होमवर्क, अगर नहीं बनता है चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मेल आईडी दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, जरूर आपको वहाँ पे सॉल्व करके समझाया जाएगा। तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।